दोस्तों मैं जानता हूं कि आपको भी बैक जंप सीखना है, इसीलिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। अगर आप अपने ज़िंदगी का 5 मिनट भी निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि अब आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे इस वीडियो में मैं बैक जंप कर रहा हूँ वैसे आपको भी सिखा दूंगा, बस एक तरीका बताऊंगा। अगर आप उस तरीका को यूज कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है भले आपका उम्र 10 साल हो या 15 साल हो, 20 साल हो या 25 साल 30 साल क्यों ना हो, अगर आप उस तरीका को यूज करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन में एकदम परफेक्ट बैक जंप मारना सीख जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ बैक जंप। जी हाँ दोस्तों, बैक जंप जो कि बहुत ही आसान तरीके में सिखाने वाला हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन में कर लेंगे, ठीक है। आपको टाइम नहीं लगने वाला, इसको बहुत लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, बहुत लोग तो बैक हैंड स्विंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज आपको वही सिखाने वाला हूँ। वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा, अगर आप आज ही स्टार्ट किए हैं बैक जंप सीखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में सीख जाएंगे। भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको सिखाते हैं बैक जंप कैसे करते हैं। तो बैक जंप करने के लिए स्टेप जो पहला है हमारा वो है आर्च। आप लोग बोलेंगे आर्च क्या होता है, बहुत लोग भाई डी के नाम से जानते हैं, ऐसे ये रहा आर्च, ऐसे करके और ये आर्च है, ठीक है। इसी चीज़ को लोग आर्च के नाम से जानते हैं और डी के नाम से जानते हैं। तो आपको ऐसे बनना आना जरूरी है, और अगर डी नहीं बन पा रहे तो आप यहाँ पर लेट जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप सो जाइए और ये आपको हाथ से ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक, और डी बन गए। ऐसे अगर आपको आ जाता है उसके बाद से करना ये है कि आपको ऊंचा जगह पे, ठीक है, चलिए आपको कहीं चल के आगे दिखाते हैं। देखिए आपको कुछ ऐसे जगह पे आ जाना है जहाँ पे हाइट हो, ठीक है, और नीचे जो है थोड़ा डाउन पे हो। तो मैं कुछ ऐसा जगह पे चुन लिया हूँ, और यहाँ पे करना ये है जैसे कि आपको आर्च बनना सिखाया था, ठीक है, डी बनना, ठीक, वैसे आपको पहले यहाँ पे डी बनना है। अगर डी नहीं बन पा रहे तो एक काम करिए, आप यहाँ पे लेट जाइए उसके बाद से उठिए। यहाँ पे कुछ अच्छा जगह नहीं है लेटने जैसा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, इसके लिए लाइक कर देना, ठीक है। चलिए भाई हाथ ऐसे करके और ऐसे रखना है, ठीक, याद रखिएगा कि आपको हाथ ऐसे रख लेना है और ऐसे अपने हाथ से ऊपर की तरफ धक्का देना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर धक्का देके ऐसे उठ जाना है और थोड़ा और पास पास में चले जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ऊँचा जगह पर पैर रख के ये पैर उठा लेना है, और आपको इस पैर से जो है ये पैर जो है हमारा, ठीक है, इस पैर से जंप करना है, ऐसे देखिए ऐसे जंप करना है, ठीक है, ये देखिए ऐसे रखना है और ये उठाना है, इस पैर से जंप करना है ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ करना है। फिर से आपको दिखा, उठ जाइए और ये पैर जो रखना है ऊपर, और इस पैर से किक करना है और इस पैर से जंप करना है, देखिए इस पैर से किक और जंप, ठीक, कुछ ऐसे करना है। इतना हो जाता है फिर आप इससे थोड़ा, ये तो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो गया, पहले आपको ऊंचा जगह से ट्राई करना, उसके बाद से थोड़ा सा कम ऐसे एकदम बराबर जगह पे करिए, देखिए थोड़ा सा हाइट है, इतना हाइट है ना आपको, यहीं अब यहाँ पे इतना कोशिश करना है, यहाँ पे डी बनते हैं और ये पैर रखे और इसे जंप, उतना क्लियर हो जाए। उसके बाद से आपको बराबर जगह पे करना है, ऐसे करके डी बन गए और यहाँ से ये पैर उठाना है, ठीक है, और इसे जंप करना है, देखिए कुछ ऐसे, इतना हो जाता है। उसके बाद से आपको बताता हूँ, अब जो मेन जो इम्पोर्टेंट वीडियो है यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा सा स्किप मत करिएगा। इतना सब कुछ कंप्लीट होने के बाद से आपको करना ये है कि यहाँ पे बैठ जाना है, ठीक है। बैठने के बाद से आप सोच रहे हैं अब क्या करेगा, देखिए बैठने के बाद से ये हाथ जो है आगे करेंगे, आगे करने के बाद से देखिए ऐसे आप बैक जंप ऐसे ना मारते हैं, लेकिन अगर बैठ के करेंगे आप लोग तो जो डर है वो निकल जाएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं मारना चाहता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो आपके लिए खासकर आपके लिए ये वीडियो है, ठीक है। आपको बैठ जाना है और फिर ये साइड है ऐसे, देखिए ऐसे आपको करना, पहले आपको कुछ ऐसे ऐसे छोटा छोटा बच्चा करता है ऐसा, साइड होके मारना है, देखिए साइड होके ऐसे करके ऐसे, भाई एक बार और देखिए ऐसे करके ये हाथ दोनों आगे करके और साइड लेके मारना है, ठीक है, ऐसे देखिए, ठीक, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा आपका ये। अब इतना होने के बाद से वो आर्च बनना जैसे सिखाया था वैसे आपको आर्च बनना है, ठीक है, लेकिन आर्च बनना है फिर से आपको ये इतना हाइट आएगा, फिर आपको पैर से भी जंप करना है, देखिए कुछ ऐसे,
देखिए, और फिर अपने पैर से और तेज जंप करना है, और तेज जंप करना है। देखिए ऐसे से करके, और ये बैठे, और ये पावर लगा के आपको जंप करना है, ठीक है, एकदम ऐसे करके, और ये ऐसे ऊपर शरीर फेंकना है, जैसे आप ऊपर शरीर फेंक रहे हैं ना, वैसे करके आपको पीछे फेंकना है शरीर। देखिए ये करके, ये ऊपर फेंक रहे हैं, वैसे आपको शरीर को पीछे फेंकना है। देखिए ऐसे, बस सिंपल सा है, बस थोड़ा आपको माइंड लगाना है। जैसे आप जैसे जैसे ये वाले स्टेप प्रैक्टिस करेंगे, ये बैठ के और ये, उतना आपके माइंड में जो आइडिया आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप यहाँ पे मत करिए, मतलब हार्ड सरफेस में मत करिए, आप लोग कहीं खेत में करिए जहाँ पे गिरने पे भी चोट ना लगे, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। बस लोग अपने दिमाग में ऐसे ऐसे सोचने लगते हैं कि भाई गिरूंगा तो चोट लगेगा, चोट नहीं लगने वाला। अगर आप अच्छे जगह पे करेंगे, पुआर पे करेंगे और मिट्टी में करेंगे, जहाँ जोता हुआ खेत, वहाँ पे करेंगे तो क्यों चोट लगेगा, ठीक है। पहले ही आपसे बता दे रहा हूँ, आप अच्छे जगह पे करें, आप फुल सेफ्टी के साथ करें, और जैसे जैसे स्टेप आपको बताया उसको फॉलो करिए, पक्का है कि आप लोग सीख जाएंगे। देखना भाई, ये होता है मेहनत। तो अगर आपको भी लगता है भाई मैं मेहनत किया हूँ आपके लिए, कुछ मैं ज्ञान दिया हूँ आपको, तो आपका फ़र्ज है कि अपने गुरु को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने का मतलब कि आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, आपको उससे कुछ पैसा वैसे नहीं मांग रहा भाई, लाइक करने के लिए पैसा नहीं लगता है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा फ्लिप सीखना है, और ये भी कमेंट करके बताइए आप लोग ये वीडियो जो है कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरा वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।